भाई अर्जुन सिंह चांद मेरे एक छोटे से आग्रह पर यहाँ उपस्थित हैं, बड़े कवि हैं, दुष्यंत कुमार की परंपरा के कवि हैं, बहुत अच्छे गजल गो हैं। आप सुनेंगे उनकी वानगी तरन्नुम में, वो सुनाएंगे, उनकी दो पंक्तियों से उनको बुलाता हूँ और आप उन्हें तालियों से आशीर्वाद दें। उनकी दो पंक्तियाँ हैं जिन्हें बहुत सारे कवि, कुमार विश्वास सर भी इनकी पंक्तियों कोट करते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। ये पंक्तियां इनकी हैं, ये पंक्तियां भाई साहब, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। ऐसे गजलकार भाई अर्जुन सिंह चांद। मफतलाल जी बहुत सज्जन व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ, मैं 3:30-4 बजे आ गया था, तब से मैं देख रहा हूँ बराबर मेहनत कर रहे हैं, बहुत बाहर मेरा स्वागत किया साहब। ये अखबार निकालते हैं विनोद भाई, पिछले दिनों तो लॉकडाउन चल गया, इनका अखबार चला नहीं, तो इनको किसी ने सलाह दी कि यार तुम अखबार छापते हो, नोट छापो। तो इन्होंने भाई साहब रंजन जी, इन्होंने नोट छापना शुरू कर दिए, और नोट छापे तो ऐसे छापे कि वो 90-90 के छप गए भाई साहब, 90-90 के नोट। मफतलाल ये सुनिए, आपके लिए पढ़ रहा हूँ, बोले 90-90 के नोट छप गए इनसे। तो ये बोले यार ये तो बड़ी गलती हो गई। फिर इनने दिमाग लगाया, व्यापारी आदमी, बोले यार चला लूंगा, जब मोदी जी जो है नोटबंदी कर सकते हैं तो मोदी जी नया नोट भी चला सकते हैं। तो ये इन्होंने सोचा अब ये 90 के नोट मथुरा में तो चलेंगे नहीं, तो यहाँ से चले गए छाता, छाता के आगे एक गांव में चले गए, कोसी उसी जाने कहाँ गांव में जाके, वहाँ किसी साहू की दुकान पे गए, बोले भैया ये नोट मोदी जी ने नए चलाए हैं, इसके खुल्ले मिल जाएंगे। वहाँ भाई साहब जो साहू जी बैठे थे वो इनसे ज्यादा तेज, वो बोले हाँ भाई साहब मिल जाएंगे। वो अंदर गए, वो 45-45 की दो ले आके इनको थमा दिए। तो ये मफतलाल जी है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। आइए सीधे सीधे गजल की यात्रा शुरू करता हूं। एक गजल के चंद शेर, एक मतला कुछ शेर पढ़ता हूं, उसके बाद वहां तक लेके चलूंगा जहां तक आदरणीय सिकरवार जी मेरे बड़े भाई हैं, बहुत यात्राओं में साथ हम लोग कलकत्ता से लेके चक्रधरपुर से लेके गोवा और जाने कहां कहां केरल तक की यात्रा साथ में की है। और पढ़ता हूं सुनिएगा कि झूठों का सम्मान बढ़ाया जाता है, झूठों का सम्मान बढ़ाया जाता है, सच्चाई का मान घटाया जाता है, सच्चाई का मान घटाया जाता है। मफतलाल जी मैंने जैसा कहा था मेरी गजलें विश्वाण ही हुआ करती हैं, सुनिएगा शेर पढ़ता हूँ कि सच्चाई का मान घटाया जाता है कितने खुद गर्ज सियासी लोग यहाँ, है कितने खुद गर्ज सियासी लोग यहाँ, है कितने खुद गर्ज सियासी लोग यहाँ, गांधी को शैतान बताया जाता है, गांधी को शैतान बताया जाता है, है कितने खुद गर्ज सियासी लोग यहाँ, है कितने खुद गर्ज सियासी लोग यहाँ, गांधी को शैतान बताया जाता है। और एक शेर पढ़ता हूँ साहब, मथुरा में खड़े होके हिम्मत करता हूँ पढ़ने की, आप सबकी दुआएं चाहूंगा, आपका आशीष चाहूंगा, अगर अच्छा लगे तो मुझे आशीष दीजिएगा इस शेर पर। मफतलाल जी ये शेर सुन लीजिए, आप बैठ के एक मिनट शेर सुन लीजिएगा, मथुरा की धरती में पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ भाई साहब आदरणीय रक्षा कि अंधी श्रद्धा के हैं ये परिणाम यहाँ, अंधी श्रद्धा के हैं ये परिणाम यहाँ, अंधी श्रद्धा के हैं ये परिणाम यहाँ, ढोंगी को भगवान बनाया जाता है, ढोंगी को भगवान बनाया जाता है, ढोंगी को भगवान बनाया जाता है, है कितने खुद गर्ज सियासी लोग यहाँ। और एक शेर पढ़ता हूँ साहब, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, आतंकवाद की जड़ में क्या है विनोद भाई, पढ़ता हूँ सुनिएगा आदनी, आपका आशीष चाहता हूँ डॉक्टर साहब एक एक शेर पर।
सुनिएगा। भूखे हैं रोटी की जरूरत है जिनको, 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 आदर्शों का पाठ पढ़ाया जाता है। भूखे हैं रोटी की जरूरत है जिनको, गीता और कुरान पढ़ाया जाता है, गीता और कुरान पढ़ाया जाता है, गीता। और जिस शेर के लिए पूरी गजल हुई है, ये शेर सुनिएगा मफतलाल जी, ये शेर सुन लो, मोबाइल से थोड़ी देर के लिए दूरी बना लो, एक सेकंड के लिए ये शेर सुनिएगा, अगर आपको आनंद आ जाए तो मुझे अपने आशीष दीजिएगा। सुनिएगा कि लूटे हैं खलिहान जिन्होंने गांवों में, लूटे हैं खलिहान जिन्होंने गांवों में, लूटे हैं खलिहान जिन्होंने गांवों में, ऐसों को प्रधान बनाया जाता है, ऐसों को उस अपेक्षा के हिसाब से तालियां कमाई, तालियां उतनी अच्छी नहीं आई। लूटे हैं खलिहान जिन्होंने गांव में, लूटे हैं खलिहान जिन्होंने गांव में, ऐसों को प्रधान बनाया जाता है, ऐसों को प्रधान बनाया जाता है।